हेलो गाइज, मैं हूं फहीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहीम शाह के साथ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूं, मैं उनको वेलकम करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को पसंद करते हैं। तो गाइज़, तो मैं यही कहूँगा कि मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत के अंदर सुपर फहीम शाह हाजिर है आज एक नई वीडियो लेकर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब का इसमें क्या नाम है? मोहम्मद अली। अच्छा मोहम्मद अली भाई जान, ये मजीद ये आपने ये कोई गोश्त रखा हुआ है, हमारे सामने को बताएंगे मजीद गोश्त कैसा होता है, जो गलता भी है। और बाद लोग हमारी लेडीज़ कहती हैं कि गोश्त हमारा नहीं गलता, वो परेशान हो जाती हैं। तो कुछ हमारे नाज़रीन को कुछ आप बताएंगे आप कि वो कैसा कौन सा गोश्त होता है जो गलता नहीं है, और जो कौन सा गोश्त है जो गल जाता है और बहुत ही परेशान हो जाती है हमारी लेडीज़, हमारे खातून तो बड़ी परेशान हो जाती है। थोड़ा सी बताएंगे आपको कौन सा गोश्त जल्दी गलता है और कौन सा देर में गलता है? जो अच्छा वाला गोश्त नहीं होता है, बकरे का गोश्त नरम होता है। जी जी। जो बकरी का गोश्त होता है वो नहीं गलता। अच्छा अच्छा। ये जो आपके आगे पड़ा हुआ दस्ती का गोश्त, गर्दन का गोश्त, ये नरम गोश्त। तो गाइस देखेंगे पानी के बगैर है। अच्छा अच्छा। तो लोग जो है वो मजीद वो पानी वगैरह भी लगा कर बेचते हैं, वो गलता नहीं है, क्या मसला है उसका? अच्छा अच्छा, यानी उसमें कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट लेस है वो, उसमें टेस्ट नहीं है। तो गाइस, तो बात चल रही थी यहाँ पर भी अपने मटन की, तो बात चल रही थी यहाँ पर गोश्त की, जो कि हमारे मोहम्मद अली भाई ने हमें बताया यहाँ पर कि जो कि यहाँ पर जो गोश्त है वो मजीद बकरी का गोश्त होता है, जो कि गलता नहीं है, बिल्कुल नहीं गलता, ना उसका टेस्ट होता है, वो बिल्कुल ही टेस्ट लेस होता है। तो आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे अंदरून घाटी के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे मोहम्मद अली भाई हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने मटन का गोश्त यहाँ पे सेल करें, और देखेंगे बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है, जो कि इन्होंने हमें बताया कि जो बकरी का गोश्त है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं गलता, और जो दूसरा गोश्त है जो ये यानी कि जो देसी बकरों का गोश्त है तो वो बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो हमारे नाज़रीन, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, जो कि रेड किस्म का गोश्त होता है वो बिल्कुल नहीं गलता है। और आप ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही साफ़ सुथरा यहाँ पे ये गोश्त यहाँ पे ये अपना मटन का अपना सेल कर रहे हैं, और जो कि इनको यहाँ पे कम से कम भी इस शोबे के अंदर इनको कम से कम 30 साल से ऊपर इनका अरसा गुजर गया है, जो कि इनके ये वालिद साहब थे यहाँ पर, जो कि वालिद साहब वगैरह भी सेल करते थे। तो उसके बाद ये मोहम्मद अली भाई हमारे आ गए हैं, जो कि अब ये अपने गोश्त वगैरह को लेके अपने वालिद साहब की दुकान को लेके चल रहे हैं, और अल्लाह ताला इनके कारोबार के अंदर बरकत दे, हम तो यही कहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ और आकर यहाँ पर ये गोश्त आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आप देख रहे होंगे कि गोश्त है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उमदा किस्म का ये आपको यहाँ पे ये गोश्त नज़र आ रहा होगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपको ये बकरा भी नज़र आ रहा होगा आपको, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये आपको ये देसी बकरे का गोश्त है। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे कैसा गुलाबी किस्म का ये आपको यहाँ पर ये गोश्त नज़र आ रहा है, ये देखें बिल्कुल गुलाबी। तो आपने जब ये गोश्त लेना है तो आपने ये देख के लेना है कि ये गुलाबी हो और बहुत ही रेड ना हो, क्योंकि जो रेड होगा वो मज़ीद गलेगा नहीं, और जो आप गुलाबी गोश्त देंगे तो वो मज़ीद गोश्त गलेगा। तो बात चल रही थी यहाँ पर फूड की, तो बात चल रही थी यहाँ पर अपने खानों की, तो बात चल रही थी यहाँ पर अपने मटन की। तो मैंने कहा कि आज एक मूवी शूट की जाए यहाँ पे, जो कि हमारे मोहम्मद अली भाई हैं हमारे, जो कि ये बहुत अरसा दराज से यहाँ पर बैठे हुए, जो कि इनका काम है गोश्त को सेल करना। तो जैसे कि ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ये देखेंगे कि यहाँ पे ये इन्होंने ये गोश्त यहाँ पे इन्होंने ये रखा हुआ है, जो कि ये देसी बकरे का गोश्त है, या आपको यहाँ पर मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर,
जो कि आप देखेंगे कि कितना गुलाबी है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मक्खन की तरह गोश्त लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे हैं और आकर यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पे मोहम्मद अली की शॉप के ऊपर, आप जो कि किसी नाम का किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो गाइज़ आज की जो हमारी वीडियो जौन सी थी, हमारी आज की जो वीडियो है हमारी, वो आज की थी मटन के ऊपर, छोटे गोश्त के ऊपर, जो कि ये मैंने आपको दिखाई है। तो आप लोग यहाँ पे आएँ और आकर गोश्त आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं हूँ फहीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहीम शाह के साथ। तो गाइज़, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने हमें काफ़ी बातें बताई हैं गोश्त के बारे के अंदर, जैसे कि जो गोश्त जो नहीं गलता, जो हमारी जो लेडीज़ हैं, जो हमारी नाजरीन हैं, जो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हम क्या करें। बाद लोग कहते हैं जी उसके अंदर गोश्त नहीं गलता, उसके अंदर छालियाँ डाल दी जाए, जो कि बहुत ही पुराने लोग थे, जो कि बूढ़ी बड़ी औरतें थी, जो कि बूढ़े थे, जो यही कहा करते थे कि उसके अंदर आप छालियाँ डाल दें तो गोश्त गल जाएगा, लेकिन आप उससे भी बचें तो आप यहाँ पे मोहम्मद अली की शॉप के ऊपर आएँ, जो कि यहाँ पे ये अपना मटन यहाँ पे सेल कर रहे हैं, देसी बकरे का गोश्त यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो आप सारी परेशानियों से, सारी मुसीबतों से आप बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का गोश्त और बहुत ही आला किस्म का यहाँ पे आपको बकरे का गोश्त आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको मटन मिलेगा। तो ये देखेंगे, ये आपकी आँखों के सामने है गोश्त, जो कि इन्होंने यहाँ पे अपने पीसेस वगैरह करके यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं। तो देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोश्त नज़र आ रहा होगा आपको। तो बात चल रही थी यहाँ पर खानों की, तो बात चल रही थी यहाँ पर फूड की, तो बात चल रही थी यहाँ पर अपने मटन की यहाँ पे। तो गाइज़, तो मैं हूँ फहीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहीम शाह के साथ। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मैंने आपको बताया अभी वीडियो के अंदर के, और गोश्त आपने लेना है बिल्कुल ही गुलाबी किस्म का आपने गोश्त लेना है, जैसे कि पहले भी मैंने ये आपको दिखा चुका हूँ और मैं बता रहा हूँ, दोबारा फिर दिखा रहा हूँ, ताकि हमारी लेडीज़ परेशान हो जाती हैं, बच्चे भी तंग करते हैं, सारे तंग करते हैं, वो कहते हैं कि मज़ीद हम क्या करें। तो अपना टाइम बचाएं और आप यहाँ पे शॉप पर आएँ, अंदरून लाहौर है, अंदरून शहर का मैं आप लोगों को विज़िट करा रहा हूँ। पहले मैंने आपको मटन का, अपने बीफ का मैंने आपको अपना मूवी मैंने दिखाई आपको, और उसके बाद मैंने आपको अमेजिंग कटिंग, काओ कटिंग मैंने दिखाई। तो आप मेरे चैनल जाकर, मेरे चैनल को आप सर्च कर सकते हैं जाके, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगी। तो बात चल रही थी यहाँ पर फूड की, तो बात चल रही थी यहाँ पर अपने गोश्त की, जो कि हमारे ये मोहम्मद अली भाई की यहाँ पे ये शॉप है। तो मैं हूँ फहीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहीम शाह के साथ। तो गाइज, तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, तो आपने मुझे कमेंट के अंदर बताने जाके कि आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, तो मैं प्यार भरे हाथों से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन लोगों ने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज़, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।